क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो कोर्ड ए बी और सी डी है, लेंथ 5 11 सेंटीमीटर है, पैरेलल है सेम साइड सेंटर के, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो बताना है कि भाई डायमीटर कितना होता है सर्किल का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और दो कोर्ड यहाँ से ड्रॉ करते हैं, एक आपका ये हो गया, देन आपका ये हो गया, तो ये आपका सेंटर है मान लेते हैं। सेंटर से हम कोर्ड पे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ये होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अगर ये आपका ए बी है, देन ये सी और डी है, ए बी की लेंथ 5 है तो हो जाएगा 5/2, ये भी हो जाएगा 5/2, ये पूरा 11 है तो हो जाएगा 11/2, ये भी होगा 11/2, दोनों का बीच का लेंथ 3 है। हमें इसका डायमीटर करना है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और एक लाइन यहाँ से इसको ड्रॉ करूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों रेडियस ही होंगे। इसको कर लेते हैं एक्स, और पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ से। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एक बार इस वाले सर्किल में, एक बार इस वाले ट्रायंगल में, एक बार बड़े वाला ट्रायंगल में। तो अगर मैं यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ बड़े वाला ट्रायंगल में, तो यहाँ पर ये 5/2 है और ये 3+x है, तो मैं यहाँ से R1 के स्क्वायर में कर सकता हूँ कितना, 25/4 प्लस में 3+x यानी कि 9+x² + 6x। उसी तरीके से R2 का मैं स्क्वायर करूँगा ये छोटे वाला ट्रायंगल में, देखो ऊपर वाला जो दिख रहा है, जो ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है। तो 11/2 है एक से, 11/2 का मतलब 121/4 + x². अब हम क्या करेंगे भाई, दोनों को इक्वेट करा देते हैं, दोनों को इक्वेट करा देते हैं। अगर इस वाले वैल्यू को मैं लेके यहाँ पर चले जाऊँ, मैं बराबर के आगे ले जाऊँ चले जाऊँ इस वाले वैल्यू को, तो आप क्या देखोगे भाई, रेडियस तो दोनों केस में सेम है। हम देखेंगे कि एक्स और एक्स आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 25 × 4 36 हो जाएगा ना, और 25 × 36 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11 × 3 = 5 = 61। तो ठीक है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई, 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121/4 माइनस का हो जाएगा 61/4, यही होगा। नच्चू के 36 6 5 11, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका भाई 0, और ये 60/4, 6x की वैल्यू आ जाएगी 60/4 का मतलब ये होगा, x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 10 बार में कट जाएगा यानी कि 5/2। x की वैल्यू अगर 5/2 आ गई तो अब यहाँ पर रख लो x की वैल्यू 5/2। अब रेडियस चाहे यहाँ से बड़े वाला से निकालो, छोटे वाला से निकालो, दोनों सेम ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ छोटे वाला से, 11/2 है या 5/2 है, तो मैं यहाँ से हाइपोटेनस ये है ना, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 121/4 प्लस ये हो जाएगा 25/4, देन ये हो जाएगा 146/4। ये किस में आएगा, रूट के अंदर आएगा, तो रूट से बाहर निकालेगा तो हो जाएगा 146/2। चूँकि ये रेडियस निकल कर रहा है, मैं डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कितना, √146 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना जाएगा, √146 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी।